गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 5 जनवरी से 12 जनवरी तक कमिश्नरी में नामांकन किया जाएगा। इसके संबंध में अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 17 जनपद हैं, जिसमें गोरखपुर, बहराइच, अमेठी तक कुल 17 जनपद के क्षेत्र हैं, जिसमें 2,48,998 मतदाता हैं और 321 पोलिंग बूथ है, जिसका 5 जनवरी से 12 जनवरी तक कमिश्नरी में नामांकन किया जाएगा। 13 जनवरी को नामांकन पर्चों की जांच की जाएगी और 16 जनवरी तक नामांकन पर्चों की वापसी होगी। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी को मतदान किया जाएगा और 2 फरवरी को मतगणना होगी, जो कि आयुक्त न्यायालय में होगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतगणना वाले स्थल पर बैरिकेडिंग किया जाएगा। 5 जनवरी से कोई भी उम्मीदवार अपने प्रस्तावकों के साथ आयुक्त न्यायालय में आकर नामांकन कर सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 17 जनपद हैं, जिसमें हमारे बहराइच से लेके यहाँ इधर अमेठी तक जो 17 जनपदों का ये पूरा क्षेत्र है, और इसमें हमारे जो इस समय मतदाता हैं वो 2,48,998 लगभग 2,49,000 मतदाता हैं, और हमारे 321 बूथ हैं। ये मतदान की प्रक्रिया जो है, नामांकन हमारा 5 जनवरी को अधिसूचना हो रही है और उसी दिन से ही नामांकन शुरू हो जाएगा। 12 तारीख तक नामांकन रहेंगे, 13 जनवरी को उसकी जांच होगी और 16 जनवरी तक उसके नाम वापसी तक का टाइम है, और 30 जनवरी को उसका मतदान होगा और 2 फरवरी को उसकी मतगणना होगी। इसके लिए सर क्या व्यवस्था की गई है? ये हमारा नामांकन जो है आयुक्त न्यायालय में हमारे ही कैंपस में होगा, और आयुक्त न्यायालय में के लिए जो है बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है, पर्याप्त पुलिस फोर्स रहेगी, और जो भी इलेक्शन कमीशन के जो भी निर्देश हैं उस निर्देशों के अनुसार जो है हमारे जो भी उम्मीदवार होगा ये अपने प्रस्तावक के साथ आएगा और उसी तरह से मैनेजमेंट किया जाएगा।